हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका हमारी एक नई वीडियो में। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जैसे कि आपके पास में नेक बैंड है, कोई सी भी नेक बैंड हो, इस नेक बैंड के एक हिडन फीचर्स के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ जो शायद आपको आज तक किसी ने नहीं बताया होगा और यूट्यूब पर भी आपको वो फीचर्स नहीं मिलेगा। और अगर आप नेक बैंड यूज़ करते हो तो वो हिडन फीचर्स जान के आपको बहुत अच्छा लगेगा। और उसका आप कैसे यूज़ करोगे वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। और उसके यूज़ से है जो कि आपको काफ़ी हद तक है जो कि हेल्प होगी और काफ़ी हद तक आपको मदद मिलेगी। अगर आप किसी तरीके का कोई, यदि आप कोरियर का काम करते हो या फिर डिलीवरी का काम करते हो, तो आपको बार बार फ़ोन निकालने की ज़रूरत नहीं है। आपको इस नेक बैंड के थ्रू मैं एक ऐसा फीचर्स मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस फीचर से है जो कि आपको काफ़ी हद तक मदद मिलेगी और काफ़ी आपका टाइम की भी आपकी बचत होगी। तो फ्रेंड, ज़्यादा कुछ नहीं है कि शुरू से लेकर आप इसको एंड तक देखिएगा। और आपको मैं बता रहा हूँ कि इस हिडन फीचर्स को आप ढंग से समझिएगा तो वीडियो है जो कि आपको शुरू से लेकर एंड तक देखनी है। और फ्रेंड्स, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को जरूर लाइक एंड शेयर करें। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको किस चीज़ के बारे में और कुछ जानना है, क्योंकि मैंने ये जो चैनल है वो एक ऑथेंटिक और सही एडवाइस के लिए बनाया है। तो आपको मैं यहाँ पे सही है ऑथेंटिक और सही एडवाइस दूंगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि आपके पास में ये नेक बैंड है जो कि किसी भी होगी, मेरे पास में ये नॉइस कंपनी की नेक बैंड है। आपके पास में किसी भी कंपनी की नेक बैंड हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हर नेक बैंड में ये एक हिडन फीचर्स होता है। तो सबसे पहले करना क्या है कि आपको है जो कि आपके फ़ोन में है जो कि इसको कनेक्ट कर लेना है। तो फिर मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने इसको है जो कि ऑलरेडी है जो कि कनेक्ट की हुई है, यहाँ पे है जो कि ब्लूटूथ से मैंने इसको ऑलरेडी कनेक्ट किया हुआ है। तो मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ कि आप जैसे कि इसका यूज, एक हिडन फीचर्स है जो कि इसका यूज इस तरीके से है कि आपके पास कोई लास्ट कॉल आया है और आप उसको वापस कॉल करना चाहते हो, तो आपका फ़ोन पॉकेट में है तो आप चाहते हो कि नेक बैंड के थ्रू ही वो लास्ट कॉल हो जाए, तो किस तरीके से होगा। और यदि है जो कि आपने किसी को कॉल किया है और आप चाहते हो कि वापस उसको कॉल करना है और नेक बैंड के थ्रू आप किस तरीके से कर सकते हो, वो सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो फिर आपको करना कुछ नहीं है, आपको जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कि लास्ट कॉल है जो कि मैंने यहाँ पे किया हुआ है 5 मिनट पहले। और आपको मैं बताने वाला हूँ कि अब मैं वापस इसी पे कॉल कर मुझे इसी पे कॉल करना है। या तो आपने जिसको लास्ट कॉल किया उस पर आप कर सकते हो, या आपके पास में जो कॉल आया है लास्ट कॉल उसको आप वापस कर सकते हो। तो फ्रेंड, ये जो हिडन फीचर्स है लास्ट कॉल के लिए है ओनली। और मैं आपको बताने चाहता हूँ कि देखो, 5 मिनट पहले मैंने ये कॉल किया है तो वापस मुझे इस पर कॉल करना है, तो आपको करना कुछ नहीं है। जैसे ही आपकी जो नेक बैंड होती है, नेक बैंड में जो आपके पास में 3 बटन मिलते हैं आपको, प्लस वाला और माइनस वाला बटन, तो आपको करना कुछ नहीं है फ्रेंड। जो आपका जो ये पावर वाला बटन होता है ना, प्लस वाला बटन मिलता है, माइनस वाला बटन मिलता है और पावर वाला बटन होता है, तो ये पावर वाले बटन का आपको है जो कि 2 बार प्रेस करना है। जैसे फ्रेंड आप इसको 2 बार प्रेस करोगे तो आपके फ़ोन में क्या होगा कि जो लास्ट कॉल है वो ऑटोमेटिक चले जाएगा। फ्रेंड देख सकते हो आप, ये कॉल जा रहा है। तो फ्रेंड इस तरीके से मैं आपको एक बार वापस बता देता हूँ कि आपको पावर वाले बटन को है जो कि हल्के से 2 बार प्रेस करना है। जैसे ही आप 2 बार प्रेस करोगे तो आप देख सकते हो फ्रेंड कॉल हो रहा है। अब मैं यहाँ से डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। तो इस तरीके से आप है जो कि लास्ट कॉल कर सकते हो। लेकिन इस हिडन फीचर्स की एक कंडीशन है कि फ्रेंड अगर आपके पास में कोई अननोन नंबर है, आपने अगर नंबर सेव नहीं किए हुए हैं तो उस पर ये कॉल नहीं होगा। उसके लिए आपको फ्रेंड जो प्लस का 91 है उसको हटाना पड़ेगा। तो फ्रेंड ये फीचर्स है जो कि उस पर ही लागू है जो आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में आपके जो नंबर सेव हैं उन्हीं पे आप है जो कि इस तरीके से लास्ट कॉल पर आप है जो कि नेक बैंड के थ्रू कॉल कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और मेरे द्वारा दी गई आपको ये हिडन फीचर्स की जानकारी आपको बहुत पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगा। थैंक यू सो मच। फिर नई वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।